See, in linear equation in two variables, today, one marks question, I am doing MCQs, जिनको आप कहते हैं, कई बार आपका sometimes, you can solve the big questions very easily, लेकिन छोटे questions को दिक्कत आ जाती है, अभी जैसे मैं कल, 12th के बच्चों को जब पढ़ा रहा था, इन कोरोना पीरियड में, कितना पढ़ा है उन्होंने, a cube plus b cube का फॉर्मूला पता नहीं है, a plus b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता नहीं है, a cube plus a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, उसको आप कैसे एक्सपेंडेड को आप पावर फॉर्म में लिखते हैं ये पता नहीं है और ट्वेल्थ में चले गए. दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ माई कोचिंग, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द कोचिंग. अभी मैं देख रहा था 4:30 बजे, ये मैं इसीलिए नेशनल टीवी पे आपका ये इसको दे रहा हूं, नेशनल चैनल्स पे, सुबह 4:30 बजे एग्जैक्टली व्हेन आई वाज वॉकिंग विद माय डॉग, मैं मॉर्निंग में उसको फ्रेश के लिए होने के लिए ला रहा था, हरगोबिंद सुयाल की लड़की अपनी मां के साथ 4:30 बजे घर से निकल गई थी, सी वॉज ऑन द रोड, इसका मतलब 5 बजे से क्लास चल रही होगी या 4:45 बजे से. कितनी आग है आपके स्कूल टीचर्स को ये खुद ही सोच लीजिएगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं ये बता रहा हूं यहां पढ़ने के लिए आपको इतना कुछ किया जाता है उसके बावजूद आप नहीं पढ़ते, और स्कूल टीचर्स के पास 4:30 बजे आप लोग जा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है उन मां बाप के लिए भी और उन स्कूल टीचर्स के लिए तो है. क्यों सरकार उनको 3 लाख रुपए की पेनल्टी एस पर सेक्शन 28 नहीं लगा रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा. जेल के अंदर बंद कर दे 6 महीने में और साथ ही साथ 3 लाख की पेनल्टी ठोक दे, औकात में आ जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट आपकी खत्म कर दे, बच्चा पढ़ने लग जाएगा. बच्चे को भी पता मुझे फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, अब आप देखिए आप दो ठाकुर का एब्सेंट थे क्या बात, विदाउट एनी इंटीमेशन. ये आप देख लीजिए, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लीनियर इक्वेशंस को देख लीजिएगा और चैनल्स में भी तो देखो. ये दूसरी बार मैं लीनियर इक्वेशन इसी टाइम पे पढ़ा रहा हूं, ये ठाकुर साहब बैठे हुए यहां पे, दिस इज माय सेकंड टाइम. अब आप लगा लीजिए हम लोगों को दिक्कत हो रही है, स्कूल टीचर को दिक्कत नहीं हो रही है, उसने मुंह नहीं धोया होगा, खटिया में बैठ करके पढ़ा रहा होगा, उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, उसको सर्विस टैक्स नहीं देना है, हमारी तो दुकान भी सरकार बंद कर देती है और आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है. सिंपल सी बात यह है. बारह, इसमें से आपका दिया रहा 4 ऑप्शंस. कई बार क्या होता है कि ये 3 ऑप्शन नहीं होते और साथ में एक ऑप्शन और इंक्लूड कर देते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, 4 ही ऑप्शन होते हैं, 5 का ऑप्शन नहीं है. मैं तो यहां तक आपका एक स्कूल है यहां पे छोटा, आप तो बड़ा हो गया है, उसमें मैं देख रहा था हमने इंग्लिश आपका नाउ 3 रूल में लिखी, 3 रूल यानी कि 4 लाइन, यहां 4 लाइन 4 रूल की वो स्पेशल चलाता. अब आप मुझे बताइए 4 लाइन का काम कहां होता होगा बताइए, तो आप तो बड़े बड़े दिग्गज स्कूलों के बच्चे हैं. 4 लाइन इज ओके, 5 लाइन में कहां आपने, मैंने इंग्लिश में देखा है कर्सिव राइटिंग, मेरे दादाजी के जमाने से चल रहा होगा, मेरे दादाजी से बेस्ट तो अंग्रेजी कोई नहीं जानता होगा, नाउ ही इज नॉट इन इन दिस वर्ल्ड, उनके साथ के कई फुल जर्नल ऑस्ट्रेलिया में रहे रिटायरमेंट के बाद जो इंडियन आर्मी में थे, पहला आड़ियल फौजी हो गए मेरे ग्रैंडफादर. ईमानदारी का सिला आप खुद ही देख रहे हो यहां से कोचिंग से लेकर के. और कहा था अभी मैं जस्ट, कोई प्रकाश भट्ट है मेरे मित्र फिजिक्स के, हल्द्वानी का बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाता था, उसने लिखा था जब आदमी आपकी बहुत सारी रोज आपका आलोचना करता है, इसका मतलब आप आलोचना वो साबुन है जो मैल काट करके, मैं वही अभी लिख रहा था, मैंने कहा साला उसमें कौन सा ऑयल मिलाया है, कौन सी एल्कली मिलाई है, अभी तक हमारा मैल ही नहीं कटा. एनी हो, आप लोग कितना पढ़ते हैं ये तो आपको खुद ही पढ़ रहा पता लग रहा होगा, क्योंकि मैं कमेंट्स से भी देख लेता हूं आप कितने व्यूज हैं उसमें, उससे भी मैं देख लेता हूं. तो पढ़ाई का लेवल जब हम लोगों की इतनी मेहनत करने के बाद नहीं आता है तो वो क्या लेवल बनाएंगे जो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और घर में भी पढ़ा रहे हैं. बहुत क्लियर है,
मैं गवर्नमेंट से इसीलिए आपका नाम, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो चोरी चकारी मकारी करता है, ये करप्शन का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है जो सरकार की आंखों में. आज आप हिंदी 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 कर रहे हैं, कल भी मैं एक पत्रकार को लिख रहा था जो हिंदी के बारे में आप कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी अच्छी है, यहां संस्कृत यहां हिंदी है, तो सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए? कौन जिम्मेदार है? सरकार, वहां के स्कूल के टीचर, प्रशासन, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या एचआरडी मिनिस्टर? एचआरडी मिनिस्टर आप उन गधों को भी बना देते हो जिन्होंने स्कूल की किताबें ढंग से नहीं पढ़ी होगी, सॉरी टू से. इतना कहने में भी हम में सेडिशन का केस लग जाता है, देशद्रोह कर रहे हैं हम, मतलब अच्छी बात नहीं बतानी हुई हमने टीचर होकर के. अगर मैं उल्टी चीजें लिखूं तो अभी तो सारे व्यूज आ जाने, सारे लाइक नहीं, ले अच्छी बात बता रहे हैं आपको, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लाइक नहीं है, व्यू नहीं है, शेयर नहीं है, वो करो भी मत, लेकिन कमेंट्स तो कम से कम दे ही सकते हो. कितना पढ़ाई का लेवल है आप खुद ही देख लीजिएगा आपका, कितना रेगुलर आप लोग आते हो आप खुद ही देख लीजिएगा. मेरे जैसा टीचर अपनी मां के मरने में तुम्हें पढ़ा सकता है? जिस दिन मेरी मदर मरी थी सुबह 7:45 इसी टाइम पे, लगभग 15 मिनट बाद, तो भी मैं उस दिन पढ़ा रहा था, याद रहे. परसों भी श्राद्ध था 17 तारीख को, तो भी मैंने 16 को अपना बिल्कुल काम फिनिश कर दिया था, और मैं अभी ठीक चल रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा रहा हूं चैनल में, और उसके बाद भी ये याद रहो, तो पढ़ो तो सही, आप चैनल तो देखो, आप उल्टे सुल्टे चैनल तो आप दिन में 50 बार देखते होंगे, इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आता, अदरवाइज बच्चों से गुस्सा करके क्या करना, पढ़ोगे अपना कैरियर बनाओगे, नहीं पढ़ोगे तो बाबा जी का ठुल्लू में जाए, बहुत क्लियर, वही हो फिर आगे जा करके, फिर स्वाभिमान और अभिमान और इनकी लड़ाइयां होती हैं. सरकार किस किस को नौकरी देगी? सरकार हमारे बाप की नौकर थोड़ा है. आप पढ़ोगे लिखोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी. एनी हो ना, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर, ये एल है, कोई एंगल नहीं है, ये लीनियर लिखा हुआ मैंने शॉर्ट में, लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 सॉल्यूशन नंबर 1 MCQ का है आपका, ना देखो तो ये आपका 2x + 0y आपका देखो ना +9 = 0. अगर आप ऑप्शन में देख रहे होंगे वो -9 हो या 0 हो या m हो या n हो, साथ में आप हमेशा देखो कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब ये आपका नाम, नाउ दिस इज द एब्सिशा और आपका नाम ऑर्डिनेट. और जब एब्सिशा और ऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेट बनता है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सहयोग करना, टू कोऑपरेट ईच अदर आपका नाम मैंने कहा था. और याद रखेगा ये आपका एब्सिशा और ये आपका ऑर्डिनेट होता है, याद रखेगा एब्सिशा ऑर्डिनेट एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्स दो एक्सिस पे आपका जाके, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर यानी कि बिना एक्स बिना, चाहे वो जीरो क्यों ना हो, एक्स जीरो होगा तो ऑन वाई एक्सिस होगा, वाई जीरो होगा ऑन एक्सिस होगा. एब्सिशा और ऑर्डिनेट के बगैर कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं होती, तो याद रखिएगा इसमें. अब आप करो 2x + 0y + 9 = 0, तो ना देखो दिस इक्वेशन इज गिवन, ये लीनियर इक्वेशन ये गिवन में दिया हुआ है, तो आप करो 2x = ये आपका देखो 9 माइनस का आपका आ गया देखो, और ये -0y आपका हो गया, कायदे से 0 से एनी फिगर इज मल्टीप्लाइड दैट बिकम 0, तो देखो 2x = -9. ये मैंने इसलिए आपका दिखाया हुआ ओटी के लिए आपका, ये तो 0 × y = 0 हो गया आपका देखो. तो दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x = देखो -9/2. अगर वो कहता है कि यू प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो x = -9/2. लेकिन आप क्वेश्चन में आपका जरा देखिएगा कि टू वेरिएबल्स इन द फॉर्म, तो एनी सॉल्यूशन, जब आपको पता है कि एक एब्सिशा और एक ऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहा है, तो आप करें इसका मतलब -9/2 तो आ गया, ये तो आपका, यानी कि अब आपके पास एब्सिशा आपके पास आ गया है, दिस इज एब्सिशा. तो ऑर्डिनेट आपका क्या होगा, आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब वाई आपका केन भी आपका नाम एनी रियल नंबर, कुछ भी आपका रियल नंबर हो सकता है. तो बिकॉज आपका देखो एक्स एंड वाई का मतलब आपका देखो दिस इज -x आपका देखो दिस इज -9/2 आ रहा है, तो वाई आपका कुछ भी हो सकता है आपका देखो एम -9/2 और एम है
इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू जो फॉर्मेट होता है जब आपका उसमें 1, 2, 3 और 4 लिखा होगा तो वहां आपका नाउ एक सर्किल दिया होगा. दैट सर्किल मस्ट बी आपका नाउ दिस इज शेडेड बाय योर एचबी पेंसिल. तो नाउ आपका वहां पे आपका एचबी पेंसिल से या टिक लगाने का होगा तो टिक लगा दीजिएगा आपके नाम. तो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लीज डू इट. नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. देखिए 2x + 3y = 6 cuts y axis at a point. आपका नाम देखो कि जो ग्राफ आपको दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो 2x + 3y = 6 cuts the y axis at the point. वो y axis पे किस पॉइंट को काटता है साफ दिया है. देखिए आपका यहां आपकी स्किल यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए. बहुत जबरदस्त. क्या लिखा है जरा ध्यान से पेन छोड़ दीजिएगा. क्या लिखा है कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट. कट द वाई एक्सिस इसका मतलब बहुत क्लियर आपको हो जाना चाहिए. कहीं कहीं एक्सिस इक्वल टू जीरो तो नहीं है. पता चल रहा है गधे की तरह लगे हुए यार ये क्यों नहीं आ रहा हूं. तो आपका इक्वेशन आपका देखो ना आपको थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा. देखो 3y = 6 दिस इक्वेशन इज गिवन कट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट. वाई एक्सिस को कट करता है. अब यहां पे दो चीजें संभावना व्यक्त हो सकती है. आइदर यू कैन वैल्यू कीप द वैल्यू ऑफ एक्स हियर ओनली और आपका जस्ट आपका फॉर फाइंडिंग वाई यू मेक द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई. दोनों चीजें पॉसिबल. क्वेश्चन पेपर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आपको कितना टाइम लगता है उसमें. आपका देखो पढ़ने के बाद एक बार दो बार तीन पॉइंट बार पढ़ने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपका. कोरोना काल में वैसे ही भगवान ने आपको रिबेट दी. स्कूल वालों को तो था ही उनका तो मामला सुपड़ा साफ है. जो ईमानदारी के ऑनेस्ट स्कूल थे आज वो बंद होने के कगार में हो गए इंग्लिश मीडियम के. याद रहे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन who is my close relative in Kordwara. 550-600 स्कूल में उनके बच्चे थे. आज कह रहे थे कि 200 भी नहीं रह गए हैं कोरोना काल में. तो क्या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है. मतलब हम हिंदुओं के सारे स्कूल बंद कर दो. हम हिंदुओं के सारे पैसे आप जो है उसमें आपका नाम डीमोनेटाइजेशन कर दीजिएगा. हम लोगों का सारा कारोबार आप बंद कर दीजिएगा है. चाहे वो हमारी कोचिंग सिस्टम से आज 25-26 महीने बाद आपका हम पढ़ा पा रहे हैं आप लोगों को. कई लोग कई मित्र हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग वालों ने जहर खा लिया. आपके स्कूल वालों की बस क्लास पौ भारा हो रही है बल्ले बल्ले हो रही है. ईमानदारी में इतना सफर करना पड़ रहा हमें. वेरी सैड. लोग नरेंद्र मोदी सर को गाली दे रहे उनको गाली नहीं उन लोगों को गाली दीजिए जो नॉर्म्स बना रहे. एजुकेशन को बिल्कुल आपने खत्म कर दिया. कल मैं एक पत्रकार को लिख रहा था बड़ी पत्रकारिता करते हो यार आप लोग. सरकार को बुलाओ हमें बुलाओ ना स्कूल टीचर के सामने हमें बुलाओ. क्योंकि ग्राउंड पे मैं हूं आपका स्कूल टीचर नहीं है. मैं यहां पे एक एक स्कूल डिफरेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूं. अगर मैं 6 बच्चे लेकर के बैठा हूं तो 6 डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं. इसका मतलब 6 स्कूल के बच्चों की औकात मुझे पता लग रही है. इंग्लिश मीडियम हो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के हिंदी मीडियम तो छोड़ दीजिएगा. और याद रहे इस समय हिंदी मीडियम के कितने बच्चे आईएएस बने जरा पेपर टटोल करके देखिए. यूट्यूब चैनल को टटोल कर देखिए. पिथौरागढ़ जैसी जगह से कितने बच्चे आईएएस निकले हैं इस समय. वो तो नाम का हो गया खैर. हालांकि काम तो उनके दिल्ली कलकत्ता मुंबई में हो रहे होंगे. लेकिन क्या होता जब गांव का एक बच्चा निकल जाता है तो उसको मीडिया ऐसा चमका करके दिखाता है. ऐसा मीडिया चमका करके दिखाता है तो निकल बाप रे गांव से निकला है. ये तो देखो यार उसने गांव से पढ़ा कहां से उसने कोचिंग कहां से ली. बच्चा प्योर वो है जो गांव से पढ़ करके अपनी मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंच रहा है. माँ बाप उसके दिल्ली में सेटल है. माँ बाप उसके बॉम्बे में सेटल है. वहां वो कॉम्पिटिशन निकाल करके शुरू से उसको अच्छी तालीम मिली है. जरा बताइए ना उस बच्चे को कहीं गाय चरानी आती है. गाय का घास काटना आता है. गाय का गोबर उठाना आता है.
उस जमीन की मिट्टी में जहां से किसान का बच्चा का, क्या वहां उसको फसल बोनी आती है, फसल काटनी आनी है? धूप में कभी पैदल चला है इतने बड़े बड़े पत्थरों में? यू आस्क देम, यू रियलाइज दिस वन, यू फील दिस। जब तक ये छोटी छोटी चीजें, अब आप बड़े हो गए, 90 इज नॉट ए स्मॉल क्लास, योर कैरियर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। याद रखिएगा, ये आपका कैरियर यहां से शुरू होता है। एक एक चीज जब आप एनसीईआरटी के साथ नहीं पढ़ोगे, रेफरेंसेस बुक को, हम लोगों को ध्यान से नहीं सुनोगे। यार जब मेरा जैसा टीचर आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मिला हुआ है, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं पढ़ पाते हो? मैं अपने सारे काम छोड़ करके आपके लिए आता हूं सर, नॉट फ्रॉम दिस ईयर। शुरुआत से देखिए आपका नाम। ये मेरी बहुत बड़ी त्रासदी है, अगर मैंने यूट्यूब चैनल कोरोना से पहले बना दिया होता, आज करोड़ों सब्सक्राइबर। उन दो सालों में इतना निकम्मा बना दिया सरकार और स्कूल वालों ने आपको, ना तो आप पढ़ना चाहते हैं, बस पास होना चाहते हैं, आगे नौकरी मांगना चाहते हैं, भीख मांगना चाहते हैं, भीख। आप नौकरी मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि आप एबल नहीं है, यू हैव नो एबिलिटी, यू हैव नो कैपेबिलिटी आपका नाम फॉर सर्विंग द नेशन। हमने इंजीनियरिंग कर ली, क्या खाक इंजीनियरिंग करके निकाल करके दिखाओ जरा। हमने 95% निकाल करके दिखाओ, मैं बनाता हूं पेपर हिंदुस्तान का, पास होके दिखा दो आप 33%, तब मैं कहूं कि आपने सब बढ़िया हो रहा है। सरकार को भी हींग लगे ना, फिट करी रंग चोखा आ जाए। कोचिंग्स की वजह से आप लोगों का याद रखे रिजल्ट आ रहा है, स्कूल वालों की वजह से नहीं। कल भी बच्ची कह रहे हैं, मैंने कहा क्या आपका कैसा रहा, व्हाट वाज योर, हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ आपका नाउ दिस रीओपनिंग ऑफ स्कूल, क्या चल रहा है मैथ में, ट्वेल्थ में? डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। मैंने कहा अभी तो सारा डिसकंटिन्यू है, हम लोग सत्य बोलते हैं, हमें नहीं सुनता कोई। मक्कार झूठों को, क्योंकि दुनिया ही मक्कारों की हो गई है, वैसे ही तुम भी बन रहे हो। जब समाज आपके सामने वैसे ही हो, तो आप भी तो उसी तृष्णा के अंदर आएंगे। You are only thirsty about your scooty. You are only thirsty about your motorcycle. You are only thirsty about your good looking. You are only thirsty about your आपका नाम this is mobile, Android. But you are not thirsty about your आपका coachings, your best knowledge, your best books. Never be. ये यहीं से नहीं, दिल्ली से लेकर के और यहां तक का मैं experience आपको बता रहा हूं। जो पढ़ने वाला बच्चा है, मैंने आपको बोला वही मेहनत से, गरीब का बच्चा एमबीबीएस में निकाल रहा, गरीब का बच्चा आईएएस में निकाल रहा, क्यों? कि उसको लगन है, उसको पता है कि मुझे तुमको तो मिल रहा है। उठे दांत मले तो ठीक है, नहीं तो आगे इधर को। जो बच्ची 4:30 बजे आपका पढ़ने जा रही होगी, अब आप लगा लो, स्कूल ड्रेस में थी, आप लगा लीजिएगा कैसे मां बाप होंगे, हो कैसा स्कूल होगा और कैसा वो स्कूल का टीचर होगा जिसको कुछ नहीं कमाई करनी। ऐसा पैसा कमा करके भी क्या करोगे जो अपने ही भी काम नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। आप अपना कैरियर, अपना लग्जरी आप खड़ा कर रहे हो, लेकिन बच्चों को क्या तालीम दे रहे हो, ये मैं भी देख रहा हूं, ये मैं भी देख रहा हूं। मैं सुबह नहीं भी मिलता हूँ तो 200 से 150 आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ, आप मेरे कोचिंग के बाहर देख लीजिएगा। अभी तो छुट्टियां चल रही, सारे स्कूटी और मोटरसाइकिल कार सब, सभी कहते होंगे रावत भाई साहब नमस्कार, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, मेरा सीनियर भी जो होगा प्रिंसिपल रैंक का, वो भी रावत जी नमस्ते कहते, क्योंकि उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। तो दिक्कत यहां पर होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप उसका सिला क्या दे रहे हैं, ये खुद ही देखिए। Anyhow, ये आपका मैटर है, आपके माँ बाप का है, मेरा काम तो पढ़ाना है। 12 गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जब आप अप टू द मार्क नहीं होते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका कैरियर नहीं बनता, लेकिन अगर मैं ईमानदार टीचर हूं मुझे फर्क पड़ता है। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर एक भी सड़क में घूमता है, इसका मतलब मैंने उसको अच्छी तालीम नहीं दी, मैंने उसको कभी इंस्पायर होने की इंस्पिरेशन नहीं दी। ये मुझे लगता है मेरी ईमानदारी में, आप मुझे देख लो ना, ये नहीं तो 34 साल हो गए, क्या मैं महल खड़ा नहीं कर सकता था? क्या मैं आरू बेरू घिंगारू फैमिली से बिलोंग करता हूं? नेवर सर। मैंने एक उद्देश्य बनाया कि हो सकता है शायद
कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूं तो मैं दिल्ली से यहां आया, लेकिन नहीं लगा, उससे बढ़िया दिल्ली था, पैसा तो कमाते साला, कम से कम करोड़ों रुपया वहां भी कमा लिया होता, या मैं यहां आकर के आपका स्कूल ज्वाइन कर लिया होता तो आज भी करोड़ों ही कमा लिया होता। कि मैंने कहा नहीं, ऐसा पैसा कमा करके लिए जो मेरे कफन के काम नहीं आ सके, मैं बिल्कुल ऐसा इलीगल काम नहीं करूंगा। इसलिए आज भी ईमानदारी में आप देख लीजिएगा कैसे, अगर मैं स्कूल में होता तो आज ये पूरे 100 की क्लास होती सर। तो नाउ देख लीजिए ये क्या था, कट्स वाई एक्सिस। यहां भी देख लीजिए आप कहीं एक क्लॉज, यहां भी देख लीजिए क्या एक्स को जीरो रखने पे इनमें से कोई वाई की वैल्यू आ सकती है, चेक कर लेते। अब यहां पे डायरेक्ट रख दीजिएगा, या यहां पे आप ये भी लिख सकते थे मेकिंग गिवन इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू वन। दो चीजें बता रहा हूं मैं, जब कोई स्कूल का बच्चा डायरेक्ट तो आप थोड़ा सा डिफरेंट होइए, जब तक आप डिफरेंट नहीं होंगे तब तक पहचान एक दिन में नहीं बनती है, याद रखिएगा। पहचान बनाने के लिए जन्मों लग जाते हैं, जन्मों सालों लग जाते हैं सर। तो अगर यहां वैल्यू अगर ये नहीं लिखते हो डायरेक्ट आप करोगे सब्स्टिट्यूट, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर वन। देखिए यहाँ का टू इंटू जीरो प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। बड़े बड़े महारथी टू इंटू जीरो, टू को जीरो सर, टू जीरो सर टू, ये भी मैंने सुना है, ये भी मैंने इसी हल्द्वानी में सुना है। अब इसी हल्द्वानी में क्या, जब इतना अच्छा एजुकेशन हब है उसके बाद यहाँ की ये समस्या है, तो बाकी तो भगवान ही मालिक है, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो वाई इज इक्वल टू सिक्स बाई थ्री, या का बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो गया। तो देखो तो जब आपने x इक्वल टू जीरो रखा था, देखो x और y, तो देखो x की वैल्यू आपने जीरो रखी थी, देन y इज इक्वल टू, व्हिच वन ऑप्शन इट इज, थर्ड ऑप्शन। तो जब आप वन टू थ्री फोर इनमें सब जगह सर्किल बने होंगे, थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन में आप HB पेंसिल लेकर के इसको अपना शेडेड कर दीजिएगा। तो दिस इज द राइट चॉइस। तो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस सर। ये कहना x प्लस x इक्वल टू फाइव और y इक्वल टू इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ द, क्या ये इनके सॉल्यूशन है, इनमें से विच वन इज द करेक्ट, करेक्ट आपका नाम देखो, दिस इज द इक्वेशन विच जनरली सेटिस्फाई दिस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू फाइव एंड y इज इक्वल टू। इधर देखिए तो सॉल्यूशन में आपका नाम देखो दिस इज द, थर्ड की मैं आपका बात कर रहा हूं तो नाम देखो दिस इज द, देखिए x प्लस टू वाई आपका जो फर्स्ट पार्ट, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसको मैं ले रहा हूं वेन आपका नाम देखो सब्स्टिट्यूटिंग, जरा यहां देखिएगा बिल्कुल पहले सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू आपका देखो फाइव और y इज इक्वल टू। ये पहले वाले में मैं रख रहा हूं आपका देखो ना, अगर इनमें वैल्यू रख करके सेवन आ जाता है इट मीन्स वो करेक्ट है, और नहीं आता है तो इसको बता दें आपका देखो x, यहाँ पे देखो x की जगह में आपका फाइव प्लस टू इंटू वाई की जगह में आपका देखो ना दिस इज इंटू इस बार आपका फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन। नाइन देखो लाना मुझे देखो राइट हैंड साइड में देखिए क्या जरा प्लस सेवन, तो नाइन इज नॉट इक्वल टू सेवन, तो ना देखो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। यानी कि ये जो आपका x प्लस टू है लाना मुझे सेवन है लेकिन नहीं आ रहा है नाइन आ रहा है, नाइन इज नॉट इक्वल टू सेवन, सो नाउ इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। इट इज का मतलब ये इट का मतलब यहां पे मैं फाइव और टू को रेफर करके बता रहा हूं। यहां देखिए इधर ना देखो सेकंड, अब आपका देखो ना टेक दूसरे वाले को उठाइए फाइव एक्स प्लस टू वाई, लेफ्ट साइड उठानी है अपने लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखो फिर अगेन जरा ध्यान से देखिएगा अगेन सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू फाइव और वाई इज इक्वल टू रखेगा इस सेकेंड वाली में आपका देखो तो फाइव इंटू फाइव और प्लस टू इंटू टू इज इक्वल ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन,
29 is not equal to 7. देखो, इसका मतलब ये आपका 5,2 is also not a solution of आपका देखो solution of now this is the आपका what is that 5x plus 2 है. अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं आपका देखो आपका taking x plus y आपका थर्ड वाले का आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कीप इन माइंड दैट आपका नाउ सब्स्टिट्यूटिंग देखो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 यहां आप करो तो दिस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आ गया देखो 7 राइट साइड में आ गया देखो राइट हैंड साइड में तो देयरफॉर आपका देखो 5 एंड 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y आपका देखो नाउ दिस ये इज इक्वल टू 7 इसका मतलब नाउ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका देखो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका मतलब जब आपका सर्किल अगर बना होगा इफ द सर्किल इज देयर आपका नाउ तो देखो आपका आपका थर्ड में आप एचबी पेंसिल से यू विल शेड इट आपका नाउ देखो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन तो ये आपका नाउ थर्ड क्वेश्चन था प्लीज डू इट फिर अगेन वन क्वेश्चन इज लाइक दिस वन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन आपका देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 6 दिया देखो आपका नाम इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट अभी उसने एक्स एक्सिस बोल दिया आपका नाम उस समय आपका वाई एक्सिस बोला था उसने अभी एक्स एक्सिस दोनों सेम है द गिवन इक्वेशन इज सेम 2x प्लस 3y अब आपका देखो विच मीट्स द एक्स एक्सिस जबकि उसने कट्स द वाई एक्सिस लिखा था तो जब आप सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना सॉल्यूशन नंबर आपका 4 करेंगे तो ना इक्वेशन यू विल टाइप आपका देखो 2x plus 3y is equal to 6 ये आपका गिवन इक्वेशन दिया अब उसने क्लियर कर दिया देखो आपका ना विच मीन्स x एक्सिस ये सब दे दिया उसने देखो ना x एक्सिस को मीट करती है इसका मतलब फिर दिमाग लगाइए कॉमन सेंस y is equal to 0 तो नहीं है कहीं एक बार चेक करने भी कहा जाता तो ना देखो दिस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दीजिएगा y की वैल्यू 0 तो देखो 2x प्लस देखो 3 इनटू 0 इज इक्वल टू 6 तो देखो 2x प्लस ये 0 हो जाएगा यहां लिखने की जरूरत नहीं है आपका ना 6 x इज इक्वल टू 6 याद रखिएगा जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी कि मैंने बार बार कहा एक्सिशन और ऑर्डिनेट की बात करते एक्स वाई दिस और ऑर्डिनेट ये आपका एक्सिशन पहले लिखा जाएगा और ऑर्डिनेट क्या वहाँ 3,0 का ऑप्शन है ऐसे तो ना इसका मतलब ये जो द फोर्थ ऑप्शन पे आप क्या करेंगे एच बी पेंसिल से यू शेड इट दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर योर वन मार्क्स क्वेश्चन